वी आर बैक। इस वैलेंटाइन से क्या सोचा है? आई लव माई हैंड। जॉब? आई लव माई हैंड ऑल्सो। अच्छा एक लव स्टोरी सुनाइयो। चल तुझे आज एक ग्रेट लव स्टोरी सुना। बर्बादी ये सभी होता है। ऊपर से तो उसका नाम भी क्या है, प्यार का नगमा बर्बादी। वे चूतिये सुनेगा, ये स्टोरी थोड़ी अलग है, एक्चुअली काफी अलग है। ओ यार बाप, यहाँ पे हमेशा क्यों लाते हैं? दिल से कितनी बार कही है ना, बाप मत बोला कर मेरे को। पागल है क्या तू? बाप नहीं बोली तो और क्या बोलूं? रोज मुझे यहाँ पे लाके तंग कर देता है तू। चल एक छोटी सी कहानी तो सुना दे। कहानी सुननी है तेरे को? हाँ चल सुनाता हूँ तेरे को एक बढ़िया सी कहानी। बैठा को
तस्दीर में मैं हसांगा रवा तेन तक दागवा अजीब रंगा दी तू है बड़ी लगे अलग ही जहान दी अजीब रंगा दी तू है बड़ी लगे अलग ही जहान दी नजरा नजरा दी गल वे तू भी सुन ले जरा मैं ता कोल तेरे रहना मैं ता कोल तेरे रहना मैं ता रहना कोल तेरे तेनु तक दरवा नाच तेरे बस दरवा पागल मैं खुद नू बना दरवा तू हसदी रवे मैं हसा सबर से भी इतना सबर नहीं हो रहा इतना बेसबर हूँ मैं यार शादी करते हैं ना यार शादी के बाद में करते हैं ना राहुल यार क्या है यार बाद में तुम हर बारी चीजें टाल देती हो ना यार करते हैं ना यार क्या प्रॉब्लम क्या है ये बताओ भाई की शादी पहले करनी है नहीं ऐसा कुछ नहीं है घर की प्रॉब्लम है पढ़ाई पूरी करनी है मैं करवा तो दूंगा यार नहीं है राहुल ऐसी कोई बात नहीं है राहुल मुझे नहीं करनी तुमसे शादी हमारे बीच में ये डील नहीं हुई थी प्यार में डील थोड़ी होती है प्राची प्यार किया है मजाक थोड़ी किया है नहीं करनी तुमसे शादी बैंचो मजाक चल रहा है यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आती मुझे नहीं करनी तुमसे शादी प्राची सॉरी यार प्राची बैठ के बात करते हैं ना यार और अगर मेरे पीछे आए तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो पकड़ो अपनी रिंग तो फिर भी ठीक है तू खुद क्यों रोने लग जाता है बस इतनी सी कहानी थी क्या खत्म हो गई खत्म ये तो अभी शुरुआत है मतलब तू और पकाने वाला है साले तेरा चूतिया काटी गई है वो और उसका अब तो एक साल का बच्चा भी है अपनी लाइफ में मस्त है वो और तू देख भोसड़ी के तूने क्या रोड़े लगा रहे अपनी जिंदगी के वो भी किसके लिए उस धोखेबाज प्राची के लिए जा साले देख तू जानता है ना तू क्या बोल रहा है मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे दोस्त तेरी बात ये सच निकली ना तो कसम है मुझे तेरी दोस्ती की उसने मेरी जिंदगी के 3 साल खराब किए ना मैं उससे जिंदगी जीने की वजह छीन लूंगा
जिंदगी खराब कर दूंगा उसकी और तू साथ देगा मेरा। राहुल तो तुम यहाँ अंदर आओ अंदर आओ। जिंदगी के 3 साल बर्बाद किए ना, अब मेरी सुन, मैं तो उसे तेरी जीने की वजह छीन के ले जा रहा हूँ। राहुल प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। राहुल प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। जा रहा हूँ। प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। राहुल मैं जा सकती हूँ तो मैं प्लीज। चल तू रो मत, मैं तेरे लिए जूस लेके आता हूँ। मुझे पता है मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी माँ हूं। मेरी माँ कैसे हो सकती है, मेरा तो बाप ही है। मेरा बच्चा बेटे, अब तुम ही बताओ तुम्हें बाप चाहिए या माँ चाहिए। बाप को तो कितनी बार कहा है माँ लाने के लिए, पर वो लाता ही नहीं है। ले लो बेटा जूस, जाके अपने पापा को पिला दो। आपको कैसे पता कि बाप जूस पिएगा। बेटा माँ हूँ ना, मुझे सब पता है। आप 2 मिनट रुको, मैं जूस दे के आया। सच में जूस लाया नाती। हेलो ईशु, यार मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए।
बेबी अडॉप्ट करना था। बार बार शादी की बात कर रहा था, आप शादी नहीं कर सकती, उससे उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूं। अच्छा, इसका मतलब वो ट्रांस थी ना, और उस चूते ने उसे गलत समझ लिया। ज्यादा तौर पर लव वर्ड्स एक दूसरे को समझ नहीं पाते। पता नहीं हमें समझने वाली कब आएगी। अच्छा, ये रियल स्टोरी थी। हेलो गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे बाल बहुत ही हेल्दी और सिल्की लग रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। ये रहे, ये ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप बाय कर सकते हैं। बाय। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना हमारी वीडियो।